तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ग्रुप चैनल जहां पर आपको मिलेंगी हर किस्म की कंप्यूटर, मोबाइल, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब सेंट्रिक्स और इसके अलावा टेक के रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा ग्रुप टेक चैनल और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन को, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम हमारे वीडियो का इंट्रो इस तरह किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले ये मैंने चार फाइल्स इधर ऑलरेडी अपने वंडरशेयर फिल्मोरा 9 में इंपोर्ट की हुई हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने इधर अपने चैनल का एक लोगो इंपोर्ट किया हुआ है और इसके बाद मैंने एक वॉइस जिसके ऊपर हम हमारी वीडियो एडिट करेंगे, ये हमने इधर ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है। और इसके अलावा जो हमारे ऑडियो के बैकग्राउंड पर साउंड लगी हुई है वो हमने इधर ऐड की हुई है। और इसके अलावा जो हमारे चैनल का फ्रंट पेज है उसकी हमने एक वीडियो इधर रिकॉर्ड की हुई है। तो सबसे पहले हमने इस ऑडियो और टोन को हमारे टाइमलाइन पर इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इस ऑडियो को इधर हमारी टाइमलाइन में इंपोर्ट कर लेंगे और इसी के साथ हम इस टोन को भी हमारे ऑडियो पर इस तरह इंपोर्ट कर लेंगे। तो अब अगर हम इसको प्ले करें, तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ग्रुप चैनल जहाँ पर आपको मिलेंगी हर किस्म की कंप्यूटर, मोबाइल। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इस वीडियो को प्ले किया तो ये हमारे पास जो इसके बैकग्राउंड पर साउंड लगी हुई है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज आ रही है, जो कि हमने थोड़ी सी एडजस्ट करनी है। इसके लिए हम इस ऑडियो पर सिंपल डबल क्लिक करेंगे और इधर से हम ऑडियो पर क्लिक करेंगे और इधर से जो इसका वॉल्यूम है इसको हम इधर से क्लिक करके ड्रैग करेंगे और इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे। और इसके बाद अब अगर हम इधर से इसको प्ले करें, तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ग्रुप चैनल जहाँ पर आपको मिलेंगी हर, तो यह अब आप देख सकते हैं कि यह हमारे पास जो बैकग्राउंड हमारी साउंड है वो बिल्कुल परफेक्ट एडजस्ट हो चुकी है। अब हमने सिंपल इधर ओके पर क्लिक करना है और इसके बाद अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप इस ऑडियो का कुछ पार्ट प्ले करेंगे और उस पर कुछ एडिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ग्रुप चैनल जहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने हमारी वीडियो पर एक अट्रैक्टिव वीडियो ऐड करनी है और इसी के साथ साथ हमने ये हमारा जो चैनल का लोगो है ये हमने ऐड करना है और इसी के साथ साथ हमने हमारे चैनल का नेम टाइप करना है। तो इधर से हम चलते हैं हमारे ब्राउजर में, जहाँ पर मैंने कुछ वेबसाइट्स ऑलरेडी ओपन की हुई हैं, जिसमें से ये हमारे पास पिक्सेल है, जो कि आप pixel.com सर्च करके ओपन कर सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट है पिज़्ज़ाबे, ये आप pixabay.com टाइप करके ओपन कर सकते हैं। और इसके बाद ये हमने गूगल ओपन किया हुआ है, जहाँ से हम डिफरेंट किस्म की इमेजेस और वीडियोस को ज़रूरत के हिसाब से ऐड करेंगे और सर्च करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इधर पिज़्ज़ाबे पर इंट्रो सर्च किया था तो ये मेरे पास ये रिज़ल्ट आया है इसका, जहाँ पर हमारे पास ये सबसे पहले हमारे पास स्पॉन्सर्ड वीडियोस आ रही हैं। इसको आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना क्योंकि ये अब अगर आप इस पर ये इस कर्सर लेकर जाएं तो ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये आई स्टॉक का वाटरमार्क लगा हुआ है, जो कि हमारी वीडियो पर बहुत ही ज़्यादा बैड इफेक्ट करता है। तो इधर से हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और इधर से हम अपनी पसंद की कोई वीडियो चूज़ करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये बहुत ही अट्रैक्टिव वीडियो मुझे लगी है हमारे फर्स्ट पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो मैंने इधर कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और इसके साथ मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास एक न्यू टैब में ये वीडियो ओपन हो चुकी है। तो हम इधर क्लिक करते हैं और इधर से इसको पास कर देते हैं और इधर से हम सिंपल इधर फ्री डाउनलोड पर क्लिक करते हैं और इधर से आपने इसकी रेजोल्यूशन हाईएस्ट चूज़ कर लेनी है और इसके बाद आपने इसको इधर से डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है और इधर से आपने स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो ये हमारे पास हमारी वीडियो डाउनलोड हो चुकी है। अब आपने सिंपल इधर ओपन फोल्डर पर क्लिक करना है तो ये हमारे पास ये हमारी वीडियो पड़ी हुई है। तो अब हम चलते हैं फिल्मोरा में और इधर हम इस वीडियो को इस तरह क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे तो ये हमारे पास इस तरह हमारी वीडियो आ जाएगी और इसके बाद हमने इसको सिंपल इधर से क्लिक करना है और इधर हमने इसको इस तरह ड्रैग कर लेना है। और इसके बाद अब अगर हम इसको दोबारा प्ले करें, तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ग्रुप चैनल जहां पर आपको मिलेंगी हर किस्म की, तो ये हमने इधर पॉज कर लेना है क्योंकि यहाँ पर हमने हमारी नेक्स्ट वीडियो ऐड करनी है। तो इधर से हमने इसको सिंपल क्लिक करना है और इधर तक हमने अपने पॉइंट तक इसको एडजस्ट कर लेना है और इसके बाद हमने सिंपल इधर से हमारे लोगो को इधर ऐड करना है और इसके बाद हम इसको भी इधर एडजस्ट कर लेते हैं और इसके बाद इधर क्लिक करना है और इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर लेना है और इसको इधर से हमने हमारी स्क्रीन पर इस तरह एडजस्ट कर लेना है। और इसके बाद हमने टाइटल्स पर जाना है और इधर से जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास टाइटल पड़ा हुआ है हमने सिंपल इसको ही हम इधर
हमारे वीडियो में इंपोर्ट कर लेंगे और इसको भी हम इसी तरह इधर एडजस्ट कर लेंगे। तो इसके बाद आपने सिंपल अपने टाइटल पर डबल क्लिक करना है और इधर से आपने टाइटल अपना चेंज करके अपने चैनल का नेम इधर ऐड कर लेना है। तो मैं इधर ऐड कर रहा हूँ ग्रुप टैग, और इसके बाद आपने सिंपल इधर से अपने टेक्स्ट को इधर से एडजस्ट कर लेना है। और इसके बाद हम इधर से एडवांस पर क्लिक करेंगे और इधर से हम इस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इधर से हम एनिमेशन पर क्लिक करेंगे और इधर से हम टाइपराइटर इसका एनिमेशन चूज कर लेते हैं। इधर से हम इसकी टाइमिंग एडजस्ट कर लेंगे और इधर से भी हम इसकी टाइमिंग एडजस्ट कर लेते हैं। और इसके बाद हमने सिंपल इधर ओके पर क्लिक करना है। और इसके बाद अगर हम इस वीडियो को इधर से प्ले करें तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ग्रुप चैनल जहां पर आपको मिलेंगी हर, आप देख सकते हैं अब हमारे पास इसका टेक्स्ट तो एडजस्ट हो चुका है पर हमारे पास अभी जो लोगो है ये हमारे पास अभी एडजस्ट नहीं हुआ। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम सिंपल इधर इसको सेंटर से स्प्लिट कर लेते हैं, यानी कि हमने इसको हमारे इस लोगो को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और इसके बाद हम हमारे इस पार्ट पर डबल क्लिक करेंगे और इधर से हम मोशंस पर क्लिक करेंगे और इधर से ये जो हमारे पास स्क्रॉलिंग मोशन आ रहा है इसको हम हमारे लोगो पर ऐड कर देंगे। और इसके बाद जैसे ही आप इसको अगर प्ले करें तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ग्रुप चैनल जहां पर आपको मिलेंगी हर किस्म की कंप्यूटर, ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास इधर तक अब परफेक्ट हो चुका है। तो अब हम इधर से हमारा कुछ नेक्स्ट पार्ट फर्स्ट सुनते हैं और इसको फिर एडिट करते हैं कंप्यूटर मोबाइल फोटो एडिटिंग वीडियो। तो जैसा कि आपने सुना है इधर हमारे पास एक कंप्यूटर की इमेज होनी चाहिए जो कि हमने इस पर ऐड करनी है, और एक हमारे पास उस कंप्यूटर के बैकग्राउंड पर कोई, और इसके अलावा कोई हमारे पास वीडियो जो कि हमारे फुल स्क्रीन पर आ रही हो उसके बैकग्राउंड पर। तो अब हम दोबारा हमारे ब्राउज़र पर चलते हैं और इधर से हम दोबारा इसी को ओपन करते हैं और इधर से स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं। तो इधर से मैं चूज़ कर रहा हूँ ये वाली वीडियो जो कि हमारी वीडियो के फुल बैकग्राउंड पर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। तो इसको मैं कंट्रोल प्रेस करके इस तरह प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास इधर एक टैब ओपन हो चुका है। तो इधर से हम इसको पास कर लेते हैं और इसके बाद हम इधर से फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और इधर से इसकी रेजोल्यूशन हम हाई रख लेते हैं और इधर से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और इधर से हम सिंपल इधर स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और इधर से ओपन फोल्डर पर क्लिक करेंगे। तो इधर से हम ओके पर क्लिक करते हैं और इधर से हम मीडिया पर क्लिक करते हैं और आल टैब प्रेस करते हैं और इधर से ये हमारे पास हमारी वीडियोस वाला फोल्डर आ जाएगा। इधर से हम इसको इधर हमारे मीडिया में ऐड कर लेते हैं और इसके बाद हम हमारे ब्राउज़र में दोबारा जाते हैं और इधर से हम अब किसी कंप्यूटर की इमेज सर्च करते हैं। तो हम इधर से सिंपल गूगल में से कोई कंप्यूटर की इमेज सर्च करते हैं। तो इधर हमने गूगल पर सर्च करना है एनिमेटेड कंप्यूटर GIF और इसके बाद हमने इधर से इमेजेस पर क्लिक करना है। तो ये हमारे पास इधर काफ़ी सारी इमेजेस आ चुकी हैं। इधर से जो हमें हमारी वीडियो के अकॉर्डिंग परफेक्ट इमेज लगे वो हमने इधर से चूज़ कर लेनी है। तो हम इस इमेज पर इस तरह राइट क्लिक करते हैं और इधर से सेव इमेजेस पर क्लिक करते हैं और इधर से हम इसको डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं सेव पर क्लिक करके, और इधर से हम इस आइकॉन पर क्लिक करते हैं और शो इन फोल्डर पर क्लिक करते हैं। तो ये हमारे पास इधर हमारी इमेज आ चुकी है। तो हम अब हमारे फिल्मोरा में जाते हैं और इधर हम हमारी इस इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे और इसके बाद हम इस बैकग्राउंड को हमारी वीडियो पर इस तरह ऐड करेंगे और इसके बाद इस इमेज को हम इधर हमारी वीडियो पर ऐड कर लेंगे और इसके बाद हम इधर से इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं और इसको हम इधर एडजस्ट कर लेते हैं। और अब हम इधर से दोबारा इसको सुनते हैं कि ये हमारे पास हमारे इस वीडियो को ख़त्म होना चाहिए किस्म की कंप्यूटर वाई। तो हम इधर तक इसको रखते हैं और इसके बाद हम इधर से इसको इस तरह शॉर्ट कर देते हैं और इसके बाद हमने इधर से टाइटल्स पर क्लिक करना है और इधर से जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल है इसको ही हम इधर ऐड कर लेंगे और इसको भी हम हमारी इमेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे और इसके बाद हम सिंपल इस पर डबल क्लिक करेंगे और इधर हम कंप्यूटर टाइप कर देंगे और इस तरह हम इसको ऐड कर लेंगे। तो अब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और इधर से एडवांस पर क्लिक करते हैं और इधर से हम एनिमेशन पर क्लिक करते हैं और इधर से हम टाइपराइटर इसका एनिमेशन चूज़ करते हैं और इधर से हम ओके पर क्लिक कर देंगे और इसी तरह हम इमेज को इधर से डबल क्लिक करेंगे और इसके बाद हम इधर मोशन पर क्लिक करेंगे और इधर से हम इस बॉम को चूज़ कर लेंगे और इसके बाद अब अगर हम इधर से इसको प्ले करें किस्म की कंप्यूटर मोबाइल फोटो। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आ चुका है मोबाइल। तो अब हम दोबारा इधर से हमारे ब्राउज़र में से किसी मोबाइल की इमेज को फाइंड करते हैं। तो हम इधर कंप्यूटर की जगह पर सिंपल मोबाइल इधर सर्च कर लेंगे।
ये हमारे पास इधर काफी सारे मोबाइल के एनिमेशन आ चुके हैं जो कि हमारे पास हमारे बैकग्राउंड को फिल कर देंगे, इसलिए हम इधर दोबारा सर्च करते हैं एनिमेटेड ट्रांसपेरेंट मोबाइल जी है ये। तो ये हमारे पास अब काफ़ी सारी इमेजेस आ चुकी हैं। अब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे इमेज लगी है, इसलिए मैं इस इमेज को चूज़ कर रहा हूँ। और इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और इधर हम सेव इमेजेस पर क्लिक करेंगे और इधर से हम सेव पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद हम इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे और इधर से शो इन फोल्डर पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास हमारी इमेज इधर आ चुकी है। अब हमने आल्ट टैब प्रेस करना है, तो इधर से हम हमारे फिल्मोरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे और इधर से हम ओके पर क्लिक करेंगे और इधर से हम मीडिया पर क्लिक करेंगे और इधर से हम दोबारा आल्ट टैब की मदद से हमारे इस इमेज वाले फोल्डर को ओपन कर लेंगे और इधर से हम इस इमेज को इधर हमारे मीडिया में इंपोर्ट कर लेंगे और इधर से हम इस इमेज को इधर इंपोर्ट कर लेंगे और इधर से हम दोबारा हमारे ऑडियो को इधर से प्ले करते हैं वाइल। तो यह हम हमारी इमेज को इधर तक एडजस्ट करेंगे और इसके बाद हम हमारी इमेज को स्क्रीन पर इधर एडजस्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और इधर से हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और इधर से हम इस मोशन को चूज़ कर लेते हैं और इसके बाद हमने सिंपल इधर ओके पर क्लिक करना है और इसके बाद हम इस टाइटल को इधर से कंट्रोल सी से कॉपी कर देते हैं, जिसकी मदद से हमें दोबारा किसी भी किस्म का एनिमेशन भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो हम इधर से कंट्रोल सी से इसको कॉपी करते हैं और इसको कंट्रोल वी से इधर पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और इधर से हम कंप्यूटर की जगह पर मोबाइल टाइप कर देते हैं और इसके बाद हम दोबारा इसको प्ले करते हैं कंप्यूटर मोबाइल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमने क्या इसमें ऐड करना है। फोटो एडिटिंग वीडियो, तो हमारे पास नेक्स्ट आ चुका है फोटो एडिटिंग। तो अब हम दोबारा हमारे क्रोम ब्राउजर में जाते हैं और इधर से हम फोटो एडिटिंग का GIF सर्च करते हैं और इधर हम गूगल पर दोबारा सर्च करते हैं फोटो एडिटिंग और इधर से हम एनिमेटेड को इधर से रिमूव कर देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो इधर से हम इस इमेज को क्लिक करके चेक करते हैं, तो ये हमारे पास इमेज हमारी वीडियो के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। तो हम इसको इधर से राइट क्लिक करते हैं और इधर से सेव इमेज पर क्लिक करते हैं और इधर से हम सेव पर क्लिक कर देते हैं और इसके बाद हम इधर से इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे और इधर से शो इन फोल्डर पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास हमारी इमेज इधर आ चुकी है। अब हम इधर से हमारे फिल्मोरा 9 में दोबारा जाएंगे और इधर से हम हमारे डेस्कटॉप में जाएंगे और इधर से हम इस इमेज को इधर इंपोर्ट कर लेंगे और इसके बाद हमने सिंपल इसको इधर से ड्रैग करके इधर एडजस्ट करना है और इसके बाद हम इधर से इस टाइटल को भी कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और इधर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद हम इसको दोबारा इधर से प्ले करके देखते हैं कि यह हमारी ऑडियो कहाँ तक आ रही है। फोटो एडिटिंग वीडियो, तो ये हम इधर तक हमारी ऑडियो को लेकर आएंगे और इसके बाद ये जो हमारे पास बाकी टाइमलाइंस हैं इनको हम इधर से लॉक करेंगे और इसके बाद हम इधर से इस पर राइट क्लिक करेंगे और इधर से हम स्पीड एंड ड्यूरेशन पर क्लिक करेंगे और इधर हम क्लिक करेंगे और इसकी हम स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। तो इसके बाद हमने सिंपल इधर ओके पर क्लिक करना है और इस पर हम दोबारा राइट क्लिक करते हैं और इधर से हम स्पीड एंड ड्यूरेशन पर क्लिक करते हैं और इसको हम 5 कर लेते हैं और इसके बाद ओके पर क्लिक करते हैं। तो ये हमारे पास अब माइनर सा एडजस्टमेंट रह गया जिसको हम इधर से क्लिक करके इस तरह एडजस्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको दोबारा प्ले करते हैं फोटो एडिटिंग वीडियो। तो अब हमने इसको हमारी स्क्रीन पर एडजस्ट करना है और इसी तरह हमने इस टाइटल को भी इधर से रीएडिट करना है। इधर डबल क्लिक करते हैं और इधर से हम इस पर टाइप करते हैं फोटो एडिटिंग और इसके बाद हमने इधर से हमारी इमेज पर डबल क्लिक करना है और इधर से हमने इसकी मोशन ये वाली एडजस्ट कर लेनी है और इधर से ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब हम दोबारा इसको प्ले करते हैं फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग। ये हमारे पास अब नेक्स्ट आ रहा है वीडियो एडिटिंग। तो हम दोबारा हमारे इधर से क्रोम ब्राउजर में चलते हैं और इधर से हम फोटो एडिटिंग की जगह पर वीडियो एडिटिंग टाइप कर देंगे और सर्च कर लेंगे और इधर से हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये हमारे पास इमेज हमारी वीडियो के लिए परफेक्ट है। तो हम इधर से इसको राइट क्लिक करते हैं और इधर से सेव एज इमेज पर क्लिक करते हैं और इधर से हम सेव पर क्लिक करते हैं।
तो ये हमारे पास हमारी इमेज इधर डाउनलोड हो चुकी है। अब हमने इधर इसको शो इन फोल्डर पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। और इसके बाद हम हमारे फिल्मोरा में चलते हैं और इधर से हम हमारे डेस्कटॉप वाले फोल्डर को ओपन करते हैं और इसको हम इधर हमारे मीडिया पर इंपोर्ट कर लेंगे। और इसके बाद हमने सिंपल इधर से इसको हमारे टाइमलाइन पर इस तरह एडजस्ट करना है और इसके बाद हमने इस पर राइट क्लिक करना है और इसके बाद आपने स्पीड एंड ड्यूरेशन पर क्लिक करना है और इधर से आपने इसकी ड्यूरेशन को इनक्रीज कर देना है जितनी आप इसको इनक्रीज करना चाहते हैं। तो इसके बाद अगर हम इसको दोबारा प्ले करें वीडियो एडिटिंग की टिप्स, तो हम हमारे ऑडियो को इतना रखते हैं और इसके बाद हम इस टाइटल को भी इधर से कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और इधर पेस्ट कर देंगे और इसके बाद हम इसको हमारी इमेज के अकॉर्डिंग इधर से एडजस्ट कर लेंगे और इसके बाद इमेज को इधर से क्लिक करेंगे और इस तरह एडजस्ट कर लेंगे। और इधर हम फोटो एडिटिंग की जगह पर रीटाइप करके वीडियो एडिटिंग टाइप कर देंगे वीडियो एडिटिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स। और इस तो ये अब हमारे पास नेक्स्ट आ चुका है टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इसके लिए हम दोबारा अपने ब्राउजर पर चलते हैं और इधर से हम इसको रिमूव करते हैं और इधर हम सर्च करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये हमारे पास सेकंड नंबर पर ये GIF आ चुकी है, इसको हम क्लिक करके टेस्ट करते हैं। तो इधर से ये हमारे पास हमारी वीडियो के लिए परफेक्ट इमेज है, तो हम इसको इधर से राइट क्लिक करते हैं और इधर से सेव एज इमेजेस पर क्लिक करते हैं और इधर से हम इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद हमने इस आइकॉन पर क्लिक करना है, शो इन फोल्डर पर क्लिक करना है और इसके बाद हमने इधर से फिल्मोरा पर जाना है और इधर से हमने हमारे डेस्कटॉप को दोबारा ओपन करना है और इसको हमने इधर हमारे मीडिया पर इंपोर्ट कर लेना है और इसके बाद हमने इसको इधर हमारी टाइमलाइन पर ऐड करना है। तो हम इधर से इसको और ज़्यादा इनक्रीज कर देते हैं और इसके बाद हम इसको इधर से दोबारा प्ले करते हैं एडिटिंग वीडियो एडिटिंग। तो ये हमने इस इमेज पर एनिमेशन नहीं लगाई हुई, तो हम इधर से इसको ये वाली मोशन दे देते हैं। और इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें तो इस पर हम ये वाली बूम वाली एनिमेशन ऐड कर देते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। और इसके अलावा तो ये हमारे पास टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे पास काफ़ी पहले आ रहा है, तो हम इधर से इसको एडजस्ट कर लेंगे वीडियो एडिटिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स। और इसके अलावा टेक के रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और तो अब हमने कोई टेक के रिलेटेड वीडियो या इमेज सर्च करनी है, तो इसके लिए हम दोबारा हमारे ब्राउज़र पर चलते हैं और इधर से हम कोई वीडियो इस पर सर्च करते हैं। तो हम इधर सर्च करते हैं टेक, तो इसके बाद हमने सिंपल इधर वीडियोस पर क्लिक करना है और इधर से हम टेक के रिलेटेड कोई वीडियो फाइंड कर लेते हैं। तो हम इधर से ये वाली वीडियो चूज़ करते हैं, इसको हम इधर से डाउनलोड पर क्लिक करते हैं और इधर से हम स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं और इधर से ओपन फोल्डर पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम हमारे फिल्मोरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाएंगे और इधर से हम हमारे वीडियो वाले फोल्डर को ओपन करेंगे और इधर से इस वीडियो को और इधर से ओके पर क्लिक करेंगे और इधर से दोबारा हम वीडियो वाले फोल्डर को ओपन करते हैं और इधर से इस वीडियो को इधर मीडिया में इंपोर्ट कर देते हैं और इधर से इसको एडजस्ट कर लेंगे वीडियो के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा टेक के रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास हमारी वीडियो इधर तक आनी चाहिए, तो हम इधर से राइट क्लिक करते हैं और इधर से स्पीड एंड ड्यूरेशन पर क्लिक करते हैं और इधर से हम इसकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं और इसके बाद जो बाकी हमारे पास रह चुका है इसको हम इस तरह एडजस्ट कर लेंगे। और इसके बाद अगर हम इसको दोबारा प्ले करें, इसके अलावा टेक के रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज, तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ चुका है शॉर्ट कोर्सेज। तो हम इधर से कंट्रोल सी से इसको कॉपी करेंगे टाइटल को और इधर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद इस टाइटल पर डबल क्लिक करेंगे और इधर से वीडियो एडिटिंग की जगह पर हम शॉर्ट कोर्सेज टाइप करेंगे और इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे और इधर से अगर हम देखें तो ये हमारे पास इधर आ चुका है शॉर्ट कोर्सेज, इसको हम इधर ले आते हैं और इसके बाद अगर हम इसको दोबारा प्ले करें और इसके अलावा टेक के रिलेटेड बहुत सारे, तो इसको हम इधर लेकर आते हैं और इसके अलावा हम इधर टेक टाइप करने के लिए हम इधर एक और टेक के लिए हम इधर टेक टाइप करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। तो अब अगर हम इसको प्ले करें, अलावा टेक के रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव। तो इधर तक एडजस्ट करने के बाद अब हमने इधर इन्फॉर्मेटिव वगैरह अब हमने और कुछ ऐड नहीं करना, हमने इधर एक वाओ इम्प्रेशन देना है। इसके लिए हमने इधर हमारे क्रोम ब्राउज़र में दोबारा जाना है और इधर से हमने गूगल पर चलना है और इधर हमने इस टिप्स एंड ट्रिक्स की जगह पर वाओ टाइप कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो इधर से हम ये वाली इमेज चेक करते हैं, तो ये हमारे पास हमारी इमेज हमारी वीडियो के लिए परफेक्ट है, तो हम इस पर राइट क्लिक कर और इधर से इसको सेव कर लेते हैं।
तो इधर ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट चूज है। तो हम इधर इसकी सिंपल एक्सटेंशन टाइप कर देते हैं .gif और इसके बाद इंटर प्रेस कर देते हैं। और इसके बाद हमने इधर आइकॉन पर क्लिक करना है और इधर से शो इन फोल्डर पर और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाना है और इधर हमने हमारी इमेज को इम्पोर्ट कर देना है। काम आने वाले हैं और आपके लिए इंफॉर्मेटिव, तो हम इसको इधर एडजस्ट करते हैं और इसके बाद हमने इस इमेज को इधर से एडजस्ट कर लेना है जहाँ पर हमने इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। और इसके बाद हमने इधर टाइमलाइन पर कहीं पर भी क्लिक कर देना है और इधर से हम दोबारा इस इमेज को क्लिक करेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और मल्टीपल टाइम इस तरह पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद हम इसको इधर से प्ले करते हैं और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब कीजिए। अब हमारे पास नेक्स्ट आ चुका है सब्सक्राइब का, तो इसके साथ साथ ये हमारे पास हमारी वीडियो भी इधर तक फुल एडजस्ट है। तो इसके बाद हमने सिंपल फर्स्ट इस बैकग्राउंड को इधर दोबारा ऐड करना है। तो इसके लिए हम इधर से इसको फर्स्ट अनलॉक करते हैं और इधर हम हमारे बैकग्राउंड को दोबारा इधर ऐड कर देते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद जो हमने हमारे चैनल के लिए वीडियो एडिट की हुई है वो हमने इधर इम्पोर्ट कर देनी है। इसके बाद हमने इधर राइट क्लिक करना है और इधर से हमने क्रॉप एंड जूम पर क्लिक करना है। इधर से हम जो हमारे पास ब्लैक एरिया आ रहा है इसको हमने रिमूव करना है। अगर हम इधर से इसको सिंपल इस तरह एडजस्ट करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास इस तरह नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमारे पास इधर ओरिजिनल रेशो चूज है। इधर से हम कस्टम पर क्लिक करेंगे और इधर से हम दोबारा इस तरह एडजस्ट कर लेंगे और इधर से भी हम इसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं। और इसके बाद हमने इधर सिंपल ओके पर क्लिक करना है। तो ये अब हमारे पास हमारी वीडियो परफेक्ट हो चुकी है। अब अगर हम इसको इधर से प्ले करें, तो फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा ग्रुप टेक चैनल और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन को, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स बाय बाय। तो ये अब हमारे पास ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास वीडियो हमारी काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है। अब हमने सिंपल इधर से इधर जाकर हमने कंट्रोल बी प्रेस करना है और ये जो हमारे पास बाकी वीडियो रह गई है इसको हमने राइट क्लिक करके इधर से स्पीड एंड ड्यूरेशन पर क्लिक करना है और इसकी स्पीड को हमने इंक्रीज कर देना है। और इधर से हम इसको दोबारा थोड़ी सी और इसकी स्पीड इंक्रीज कर देते हैं और इसके बाद ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे पास वीडियो हमारी छोटी हो चुकी है। अब हमने इधर राइट क्लिक करना है, स्पीड एंड ड्यूरेशन पर जाना है और इधर से हम 6 कर देते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। और इधर से ये जो हमारे पास नेक्स्ट रह चुका है इसको हम खुद एडजस्ट कर लेते हैं। और इसके बाद अगर हम इसको प्ले करें और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन को, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। ओके फ्रेंड्स बाय बाय। तो इधर अब हमने हमारे चैनल पर एक सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का आइकॉन ऐड करना है। तो इसके लिए हम इधर से जो कि मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, आप यूट्यूब पर सिंपल इसको सर्च करके ऐड कर सकते हैं या जो मैंने आपको फ्री वेबसाइट्स बताई हैं उधर से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इधर से हम शेयर मीडिया पर चलते हैं और इधर ये हमारे पास पड़ा हुआ है सब्सक्राइब बटन, इसको हम इधर से ऐड कर लेते हैं उनको, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। ओके फ्रेंड्स बाय बाय। तो ये हमारे पास ग्रीन स्क्रीन में अवेलेबल है, तो इसके लिए हम इधर राइट क्लिक करते हैं और इधर ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा है, इसके लिए हम इसकी टॉलरेंस इधर से इंक्रीज कर देते हैं और इसके बाद इधर से ओके पर क्लिक करेंगे और इसको हम इधर से क्लिक करेंगे, एडजस्ट करेंगे अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। इधर से इसको दोबारा प्ले करते हैं, ये बेल आइकॉन को, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट। तो ये हमारे पास सब्सक्राइब इधर आना चाहिए, तो हम इधर इसको सब्सक्राइब एडजस्ट करते हैं और इसके बाद दोबारा प्ले करते हैं इसको। फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा ग्रुप टेक चैनल और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन को, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। ओके फ्रेंड्स बाय बाय। तो इधर ये हमारे पास एंड पर आ रहा है बाय बाय, तो इसके लिए हम दोबारा से इधर क्रोम ब्राउजर पर चलते हैं और इधर से हम बाय बाय वाली कोई GIF सर्च कर लेते हैं। तो इधर से हम ये वाली इमेज टेस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास हमारी इमेज हमारी वीडियो के लिए परफेक्ट है, तो हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और इधर से हम सेव एज इमेज पर क्लिक करते हैं और इधर से हम सेव पर क्लिक करते हैं और इधर से हम इस आइकॉन पर क्लिक करते हैं, शो इन फोल्डर पर क्लिक करते हैं और इसके बाद हम हमारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाएंगे और इधर से हम मीडिया पर क्लिक करते हैं और इधर से हम दोबारा हमारे डेस्कटॉप वाले फोल्डर को ओपन करते हैं और इधर से इस इमेज को हमारे मीडिया में इम्पोर्ट करते हैं और इधर से हम इस इमेज को इधर इम्पोर्ट कर लेंगे और इसके बाद हम इसको हमारी वीडियो के अकॉर्डिंग इस तरह एडजस्ट कर लेंगे। और इसके बाद अब अगर हम इसको प्ले करें, डेट्स मिलती रहें। ओके फ्रेंड्स बाय बाय।
तो ये हमारे पास हमारी वीडियो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब हमने सिंपल इधर एक्सपोर्ट पर क्लिक करके हमारी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल गुरु सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।